हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती टेस्ट जोन। आज का जो वीडियो है उसका नाम है फ्राइड लीवर अटैक। फ्राइड लीवर अटैक हालांकि मेरे हिसाब से वाइट की ओर से खेला जाता है और E4 E5 लाइन में फ्राइड लीवर अटैक कर सकते हो। इसके अगेंस्ट कैसे खेला जाए मैंने पहले भी ब्लैक से वीडियो बनाए हैं, तो उसमें आप ट्रैक्सलर काउंटर अटैक के वीडियो देख लीजिए जिसमें हाउ टू प्ले अगेंस्ट फ्लाइट लीवर अटैक पूरे वेरिएशन के साथ बताए। लेकिन अगर आप किसी न्यू प्लेयर के साथ खेलना चाहते हो और ये एक ट्रैपिंग लाइन है, मतलब वाइट से एक ट्रैप है, आप किसी को इस ट्रैप में फंसाना चाहते हो तो इसको इसका यूज जरूर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ऐसी सलाह दूंगा कि अगर आप टॉप लेवल में खेल रहे हो तब इस अटैक का उपयोग मत कीजिए, क्योंकि ये गेम ब्लैक के फेवर में होती है। फिर भी मैं वाइट से एक ट्रैप बता दूंगा आपको और वो आप किसी भी बिगिनर या नए प्लेयर के सामने इसका ट्राई कर सकते हो, आराम से गेम विनिंग कर सकते हो। और ब्लैक अगर इसमें फंस जाता है मोस्टली तो आप आराम से गेम जीतते हो। यहाँ पे E4 E5 ये फ्राइड लीवर अटैक में स्टार्टिंग के मूव्स नाइट सी सिक्स नाइट F3, मतलब जब हम पॉन पे अटैक करते हैं और नाइट से सपोर्ट करते हैं, ये मेन किंग पॉन ओपनिंग है। यहाँ पे बिशप C4 और ब्लैक यहाँ अगर खेलता है नाइट F6 तो आप फ्राइड लीवर अटैक कर सकते हो। बिशप C5 में आप ये अटैक नहीं कर सकते, सिंपल गेम होगी जिसमें D3 वगैरह कैसल करके डेवलप करके खेलने, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी देखते हैं नाइट F6 अगर ब्लैक ने कर दिया तो यहाँ पे आपको खेलना है नाइट टू G5 डायरेक्ट अटैक ऑन F7। दोस्तों इसके बारे में मैंने ब्लैक से भी वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने बताया था कि ब्लैक की ओर से बेस्ट चॉइस है बिशप टू C5 काउंटर अटैक, जब आप ट्रैक्सलर काउंटर गैम्बिट बोलते हैं उसे। और इसके बारे में आज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ब्लैक की ओर से ये स्ट्रांग मूव है, तो सबसे पहले ये F7 को रोकने का जो बेस्ट चॉइस है, ह्यूमन चॉइस, मतलब जो बिगिनर या नए प्लेयर है, बहुत ओपनिंग कम आती है, कुछ ही ओपनिंग्स आती है, उसके सामने आप ये ट्राई कर सकते हो अर्ली अटैक नाइट G5। इसे F7 पे आपका बिशप और नाइट दोनों अटैक कर रहे, तो इसे रोकने का एक ही बेस्ट चॉइस है D5 के बाद यहां आपको खेलना है E takes D5 और ब्लैक की ओर से बेस्ट चॉइस है नाइट D5 नाइट A5, ये भी अच्छी चॉइस है लेकिन इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। आज के वीडियो में हम ट्रैप के बारे में देखते हैं। तो नाइट डी फाइव के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जबरदस्त सैक्रिफाइस मूव है नाइट टू F7 आफ्टर किंग टू F7, क्योंकि फोर्क है, नाइट क्वीन और रुक दोनों पे अटैक कर रहा है, तो किंग F7 ये ओनली ऑप्शन है। और इसके बाद यहाँ पे आपको खेलना है क्वीन टू F3 चेक। देखिए यहाँ पे रिप्लाई क्या होना चाहिए, ये नाइट पे अटैक भी है बिशप से और क्वीन पे डबल अटैक है और नाइट बचाने का और कोई मूव नहीं है क्योंकि नाइट पिन है, तो नाइट इंटरपोज भी नहीं कर सकते। यहाँ पे मान लो कि किंग G8 गया तो आप मेट इन टू कर सकते हो, बिशप टेक्स नाइट चेक आफ्टर बिशप E6 और मेट, तो ये पॉसिबल नहीं है। और किंग E8 गया तो सिंपल बिशप टेक्स नाइट और उसके बाद यहाँ पे चेकमेट की थ्रेट है, वो अगर क्वीन E7 जाता है तो बिशप टेक्स नाइट अगेन चेक, पॉन टेक्स मारता है तो चेक के साथ आपको रुक मिलता है, तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। चलिए मेन लाइन क्या है कि ब्लैक अगर नाइट को बचाना चाहता है तो यहाँ पे किंग E6 ही खेलेगा और नाइट को एक सपोर्ट बढ़ाएगा। किंग E6 के बाद यहाँ आपको करना है नाइट C3। अब देखो बिशप नाइट और क्वीन तीन पीसेस के अटैक है नाइट पे और दो ही सपोर्ट है, तो नाइट B4 अगर ब्लैक खेलता है विथ सपोर्ट और यहाँ पे C2 पे अटैक, फोर्क की थ्रेट है, यहाँ आपको बेस्ट चॉइस है A3 नाइट टेक्स C2 चेक या किंग D1 नाइट टेक्स A1, इतने मूव होने के बाद सबसे बेस्ट चॉइस है नाइट टू D5। आपको पीस तो एक वापस मिल गया और अटैक भी है, नेक्स्ट मूव में डिस्कवर की थ्रेट है। अगर ब्लैक ने यहाँ पे C6 किया तो सिंपल नाइट C7 और डिस्कवर चेक के साथ आपको रुक भी वापस मिलेगा और ये नाइट अब बाहर भी नहीं निकल पाता, तो ये नाइट भी ट्रैप हो जाएगा, ये गेम कंप्लीटली विनिंग हो जाएगी। तो नाइट D5 के बाद बेस्ट चॉइस क्या है,
किंग डी सिक्स डिस्कवर से हटाने के लिए किंग डी सिक्स। अब मैं आपको बताऊंगा किंग डी सिक्स के सामने आपको खेलना है डी फोर। ब्लैक रिप्लाई देगा डेवलप के साथ नाइट पे अटैक बिशप टू ई सिक्स और यहां सबसे बेस्ट चॉइस है रुक टू ई वन। यहां ब्लैक खेलेगा बी फाइव आपके एक अटैक को हटाने के लिए और यहां बेस्ट चॉइस है नाइट बी फोर आफ्टर पॉन टेक्स बिशप क्वीन चेक। किंग के पास एक ही जगह है और यहां आपको मिल जाएगी इसकी ओर से क्वीन। तो ये गेम कंप्लीटली विनिंग है। और ट्रेक्सलर काउंटर अटैक के सामने आपको कैसे खेलना है ये भी मैं बता देता हूं दोस्तों। ब्लैक वाइट से जब आप नाइट जी फाइव करते हो तो मान लो कि ब्लैक ने ट्रेक्सलर काउंटर अटैक का यूज किया बिशप टू सी फाइव, तो यहां आपको खेलना है नाइट एफ सेवन। बिशप एफ टू में सबसे बेस्ट चॉइस है व्हाइट की ओर से किंग एफ वन, इसे कैप्चर नहीं करना है। किंग एफ वन में ब्लैक अपनी क्वीन को अगर डिफेंस करता है क्वीन ई सेवन से तो यहां सिंपल नाइट एच एट आफ्टर नाइट टू ई फोर यहां आपको देना है चेक। क्वीन एच फाइव अब मोस्ट रिप्लाई होता है जी सिक्स और यहां नाइट सेक्रीफाइस नाइट टू जी सिक्स आफ्टर एच टेक्स जी सिक्स क्वीन जी सिक्स। अब देखो अगर क्वीन इंटरपोज किया तो सिंपल क्वीन टेक्स क्वीन और मेट इन टू है तो क्वीन इंटरपोज नहीं होता और अगर किंग एफ हिट जाता है तो मेट इन वन है। तो यहां पे ओनली होप है किंग को डी एट लाना। तो किंग डी एट के बाद सिंपल क्वीन टू ई फोर और ये गेम अब वाइट के फेवर में आ जाएगी। अब इसके बारे में डिटेल में देखने के लिए मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए जो 5-7 वीडियो से पहले मैंने अपलोड किए हैं ट्रेक्सलर काउंटर अटैक फॉर ब्लैक, तो उसमें आप ये मूव्स कंपेयर कर लीजिए कौन सा मूव्स व्हाइट से मैंने नया बताया है और कौन सा मूव्स ब्लैक के लिए बेस्ट है। दोनों बुक आप साथ में लेकर तैयारी करेंगे तो आपकी गेम और भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी फ्राइड लीवर अटैक की गेम। नॉर्मली क्या है मैंने एक और भी वीडियो बनाया है वो भी आप देख सकते हैं ई फोर ई फाइव नाइट एफ थ्री एन सी सिक्स बी सी फोर नाइट एफ सिक्स नाइट जी फोर डी फाइव यही मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन इसी वीडियो में मैंने एक नॉवेल्टी डाली है डी फाइव में वाइट जब पॉन मारता है तो यहाँ नाइट टेक्स डी फाइव नहीं करना है। अगर वाइट ने पॉन मार लिया तो मैं नोवेल्टी बी फाइव। अब इसके बारे में आपको मेरे पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे उसमें सारे वेरिएशन मैंने बताए हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें बहुत सारी ओपनिंग्स आपको सीखने को मिलेगी मेरी वीडियो में और मेरी चैनल में। तो और ज़्यादातर आप जो भी वीडियो पसंद आए उसे लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। जल्द ही मिलेंगे नई ओपनिंग के साथ। जय हिंद जय गुजरात।